Hello students, welcome to Number X. In this lecture, we will solve question number 9 of exercise 14.2, class 9. The question is, a company manufactures car batteries of a particular type. The lives in year of 40 such batteries were recorded as follows. यहाँ पे 40 batteries की life दी हुई है, कि कौन battery कितने साल चली? क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरवल 2 to 2.5। हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें क्लास साइज लेना है 0.5 और इसको स्टार्ट करना है 2 से। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले बैटरीज की लाइफ को लिस्ट आउट कर लेते हैं एक टेबल में, और इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम लाइफ को मार्क कर लेते हैं, जो कि है 2.2 एंड 4.6। क्वेश्चन में जो इंटरवल लेने के लिए बोला गया है बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे क्लास इंटरवल को सूट करता है। इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट कॉलम में बैटरी की लाइफ के लिए क्लास इंटरवल में रखूंगा, और दूसरे में इस क्लास इंटरवल में कितनी बैटरी जैसे आएंगी वो मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी बैटरीज हैं इनको यदि हम ऐड करें तो ये आना चाहिए 40, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो 40 बैटरीज पे किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्लास होगा 2.0 to 2.5, और इसमें टोटल नंबर ऑफ बैटरीज आएंगी 2। इसी टेबल में आप देख सकते हैं 2.5 to 3.0 में 6 बैटरीज हैं, 3.0 to 3.5 में 14 बैटरीज हैं, 3.5 to 4.0 में 11 बैटरीज, 4.0 to 4.5 में 4 बैटरीज एंड 4.5 to 5.0 में 3 बैटरीज हैं। तो हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। यदि आप इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को बार ग्राफ से शो करना चाहते हैं तो इस तरह से शो कर सकते हैं। इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम बैटरीज की लाइफ 3 टू 3.5 इयर्स में है। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन क्लियर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।